तो दोस्तों आइए आज हम आपको इटारसी जंक्शन दिखाते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आइए वीडियो। आता कहाँ पे है तो भारत के एकदम सेंटर वाले इलाके में आप अगर देखेंगे तो आपको इटारसी जगह देखने को मिल जाएगी। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। इटारसी जंक्शन इतना मशहूर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार लाइनें आकर के मिलती हैं। पहली है दिल्ली से नागपुर जा रही लाइन, दूसरी इटारसी होते हुए दक्षिण भारत की ओर जा रही लाइन जो कि सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर जैसी जगहों को जोड़ती है, तीसरी लाइन है जो इटारसी से जबलपुर होते हुए इलाहाबाद की ओर जाती है, और चौथी लाइन इटारसी से खंडवा, मनमाड होते हुए मुंबई की ओर जाने वाली लाइन। इटारसी रेलवे स्टेशन का निर्माण 1870 के आसपास हुआ था जब कोलकाता मुंबई लाइन को इलाहाबाद, जबलपुर, इटारसी, मनमाड के रास्ते खोला गया था। जो नागपुर से भोपाल की ओर जाने वाली लाइन है उसे 1924 में खोला गया था। इटारसी जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेशन है और अगर पूरे भारत में देखा जाए तो ये 8वें नंबर पर आता है बड़े स्टेशनों में। और अगर उन स्टेशन की बात की जाए जो भारतीय रेलवे को कमाई करके देते हैं काफी, तो उन स्टेशनों की लिस्ट में भी इटारसी जंक्शन जरूर आता है। मध्य भारत में होने के कारण इटारसी जंक्शन में आपको हर तरह की खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी, जैसे पूरी सब्जी, राजमा चावल, पाव भाजी, समोसे छोले, ब्रेड ऑमलेट, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इटारसी जंक्शन में उपलब्ध हो जाएंगी। और अगर सुविधाओं की बात की जाए तो इटारसी जंक्शन में बुक स्टॉल, फूड स्टॉल, टी स्टॉल, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, ऑनलाइन रिजर्वेशन काउंटर, क्लॉक रूम, पार्सल सर्विसेज जैसी बहुत सारी रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स का है और दिन में लगभग 365 ट्रेनें इटारसी जंक्शन से होकर गुजरती हैं और लगभग 8 ट्रेनें यहीं से शुरू होती हैं और यहीं पर आकर उनकी यात्रा खत्म भी होती है। इटारसी जंक्शन काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन में से है। कभी कभी तो रेलवे स्टेशन में ट्रेनों को एंटर करने में 20 मिनट से आधे घंटे तक का समय भी लग जाता है दोस्तों। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आरपीएफ यहाँ की बहुत ही मुस्तैद है, साथ में सभी सुरक्षा के नियमों का पालन काफ़ी सख्ती से किया जाता है। स्टेशन में लिफ्ट जैसे सुविधाओं को भी दिया गया है ताकि पैसेंजर को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में दिक्कत ना हो। और स्टेशन के बाहरी हिस्से में आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ से आप जनरल टिकट को परचेज कर सकते हैं और साथ में प्लेटफॉर्म टिकट को भी खरीद सकते हैं। दोस्तों जो महाविशालकाय नर्मदा माता के मैं आप लोग को दर्शन करवाता हूँ लगभग हर वीडियो में शूट के, वो भी इटारसी जंक्शन से पास में ही है। इटारसी जंक्शन से अगर हम लोग होशंगाबाद तरफ चलें तो रास्ते में आपको नर्मदा माता का पुल देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इस रूट में यात्रा कर रहे हैं तो नर्मदा माता के दर्शन को मिस मत कीजिएगा। इटारसी से भोपाल वाले रूट में आता है। अगर आपकी यात्रा दिन की है तो होशंगाबाद के बाद आने वाला रूट भोपाल तक बहुत ही सुंदर है क्योंकि रास्ते में बुधनी घाट आपका स्वागत करेंगी। एक छोटी सी क्लिप में आप लोग से शेयर करना चाहूँगा जिसमें मैं भोपाल से बेंगलोर तक यात्रा कर रहा था और मैंने इटारसी जंक्शन पर व्लॉग बनाया था। इसमें आपको ध्यान से देखना है और पहचानना है कि स्टेशन में क्या क्या खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं और हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में आई है।